जो विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी सभी तारीफ करते हैं, पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि मेधावी छात्र छात्राओं को जब सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है तो उनमें प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बेहतर करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। इसी क्रम में IIM हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधु चतुर्वेदी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर DIG रेंज मुरादाबाद ओंकार सिंह भी उपस्थित रहे। बच्चों ने सम्मान पाकर अपने आप को बहुत प्रफुल्लित पाया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि ऐसे छात्र छात्राओं का सम्मान करना समिति का कर्तव्य है। सम्मान जब अच्छे बच्चों का किया जाता है तो वो आगे और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर समाज सेवी का भी सम्मान किया गया। जनसंख्या और अनुशासन, ये जो समस्याओं को चलो ठीक है, चलो डिप्टी जगन्नाथ सिंह कन्या इंटर कॉलेज से प्राची, टाइगर्स हाई स्कूल से शिशु आर्ट इंटर, चलो पलक कनौजिया, ये है शिवानी वर्मा, पुष्पा गुप्ता, सर और गणेश जी की ग्रुपिंग करनी है, इसी इधर देखिए सर, आज के दिन ही विधु चतुर्वेदी एक रोड एक्सीडेंट में दिवंगत हो गए थे। वो अपने कार्यालय जा रहे थे दिल्ली लाइन्स मेट्रो में, रास्ते में दुर्घटना हो गई। उन्हीं के स्मृति में इस ट्रस्ट की से हैं, उनसे नहीं मिलना चाहिए और आधे केवल ऐसे होते हैं उनसे मिलना चाहिए। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ प्रबुद्ध लोग, सुधी लोग मौजूद हैं, जिनके बीच में मैं भी एक उसका हिस्सा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोठीवाल परिवार का बहुत योगदान है, आप सभी शहर के रहने वाले हैं, आप जानते हैं। और जितना मैंने देखा है इनके बारे में, ये बहुत ही ईगोलेस व्यक्ति हैं, कोई इनका किसी बात के बारे में ईगो नहीं रहता है। ये बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति हमें मालूम देते हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है इनके अंदर। यहाँ पर बेसिकली हम उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा स्थान पाया है। तो इस अवसर पर मैं दो चार बातें जो उनके लिए ज़रूरी है या जो अभिभावक भी हैं उनके लिए ज़रूरी है, वो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। नए विचार आए, नई चीज़ें आए, उनको ग्रहण करने के लिए हमेशा सतत रूप से तैयार रहना चाहिए, तो ही आप प्रगति कर सकते हैं, तभी आप विचारवान हो सकते हैं। ये सबसे पहली शर्त है, सबसे पहली बात है कि कीन लर्नर होना
सीखने के लिए इच्छुक होना बहुत जरूरी चीज है। तो ये विशेषता मैं छात्रों के लिए कहूँगा कि ऑलवेज यू हैव टू बी कीन टू लर्न द थिंग्स, चीज़ों को सीखने के लिए आप में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी और प्राथमिक आवश्यकता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। और दूसरी चीज़ है जो अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर मुझे ये कहा जाए कि इस देश की क्या दो समस्याएं हैं प्रमुख, या दो क्या मतलब कुल कितनी समस्याएं हैं, तो बस दो ही समस्याएं हैं,